जिम्स में कोई रेगुलेशन नहीं है, उनको लाइसेंस के बारे में का ऑर्डर हमने अभी निकाला है कि ये जो जो जिम चला रहे हैं उन लोगों को हम लाइसेंस देने वाले हैं। उस लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन ये लोग जो है हमारे कमिश्नरेट को एक महीने के अंदर अभी अप्लाई करना है। वो एप्लीकेशन के साथ साथ इनके इंस्ट्रक्टर कौन है, वो इंस्ट्रक्टर 18 साल से ऊपर रहना, 18 साल के कम बच्चों को जिम में एम्प्लॉयमेंट के तौर पर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो और साथ में फिर जो जगह है जिम का वो इनका निजी जगह है या किसी से रेंट लिया है, उसके एग्रीमेंट की कॉपी वो हमें लगेगी, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट NOC बाकी डिपार्टमेंट के। उसके साथ साथ जब हमें अप्लाई करेंगे तो हम लाइसेंस इश्यू करेंगे। लाइसेंस में कंडीशन होगी जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये अलाउ नहीं करेंगे, इंडिसेंट बिहेवियर कोई नहीं होगा जिम में, बाकी कुछ खासकर जो महिलाएं जिम के लिए आती है उनके बारे में ये लोग ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। वहाँ पे हर एक विजिटर का प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री होगा, आई कार्ड का प्रूफ रहेगा। इस तरह के कंडीशंस देके ही हम जिम्स को लाइसेंस देंगे। अगर कोई जिम हमारे इंफॉर्मेशन आ जाती है कोई गलत काम कर रहा है तो हम पक्का कानूनन उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और सी टीम्स भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, खासकर जहाँ पे जिम्स में लेडीज़ भी जा रही है, क्योंकि कुछ हमारे नोटिस में कुछ चीज़ें आ रही है कि महिलाओं के साथ एक दो जगह पे कई छेड़छाड़ हुई है, तो इस तरह के हरकतें दोबारा नहीं होना इसलिए हम लोग अभी ये जिम को लाइसेंस दे के उनको रेगुलेट कर रहे हैं। ओके सर। साइबर क्राइम अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं जिसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स है, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड है, लॉटरी फ्रॉड है। तो इस तरह का और एक फ्रॉड आज हमारे नोटिस में आया है जिसमें ये नाइजेरियन गैंग जो औरंगा अपना बेंगलोर का बेंगलोर में उन लोग रह रहे, ये गैंग ने एक अपने राजकोंडा लिमिट में एक कंप्लेनेंट जो लेडी है वो लेडी को आपके हस्बैंड को हम कनाडा में जॉब दिलाएंगे बोल के 1,03,600 रुपए को चीट किया। तो वो केस में सबसे पहले यहाँ पे साइबराबाद के जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उसमें FIR हो गया। FIR होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग बेंगलोर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ का जो हमारा राजकोंडा का साइबर टीम है, इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन, SI आशीष रेड्डी, ये लोग बेंगलोर जाके तीन एक्यूज को अभी कस्टडी में लिए हैं। तीनों भी नाइजीरिया के, और तीनों 2 महीने के विजिट वीजा पे 2011 में आए, उसके बाद उनका वीजा एक्सपायर हुआ, इलीगली वो इंडिया में 5-6 साल से। तो इन लोगों के पास से हमें अभी 8 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन्स, 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, 5 डाटा कार्ड, 1 पेन ड्राइव और कुछ सामान भी मिला है। और इन लोगों ने केवल इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर जर्मनी, लेबनान, बल्गेरिया, इंडोनेशिया, पेरू, मोरक्को ऐसे कंट्रीज में भी ऑनलाइन लोगों को चीट किया करके इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम हुआ है। लोगों को हमारे तरफ से एक ही गुजारिश है कि ये जो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांग रहे हैं वो उनके बारे में वो सही है या गलत है वो क्रॉस चेक करो, और ऑनलाइन बैंक अकाउंट में पैसा आप मत जमा कीजिए, खासकर जो है प्रोसेसिंग फी, एंटी टेररिज्म चार्ज, जैसे कुछ कुछ नए नए नाम बोल के ये लोग ऑनलाइन बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए बता रहे और बाद में और पैसे मांगते रहे, तो इसमें आपके साथ धोखाधड़ी होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए जो ऑथोराइज एजेंसीज है वो ऑथोराइज एजेंसी के साथ, जैसे अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का टॉमकॉम, टॉमकॉम के जरिए आप फॉरेन जब जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको रिटर्न का टिकट मिलेगा, ऐसे ऑथोराइज एजेंसी के साथ ही आप हमेशा जॉब के लिए फॉरेन जॉब के लिए खासकर अप्लाई करो, सो दैट आपके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ओके। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ
लास्ट वीक एक्चुअली अरे